नमस्कार प्रिय मीन राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं पुनः हर बार की तरह इस बार भी आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम 1 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त के मध्य का संपूर्ण भविष्यफल यानी अगस्त महीने का संपूर्ण राशिफल लेकर के। प्रिय मीन राशि वाले, मैं आज आपको बताऊंगा कैसा रहेगा 31 दिनों में आपके जीवन में संपूर्ण स्थितियों का हाल, जिसमें वे जीवन के मूलभूत अंग जैसे कर्म क्षेत्र, इनकम, संपत्ति, संतान, जो भी चीजें होती हैं सभी चीजों का चर्चा करूंगा। बिल्कुल सत्य भविष्यवाणी रहेगा, कहीं से मैं आपको यह नहीं बोलूंगा कि यह मिल जाएगा वह मिल जाएगा, मैं यही बोलूंगा जो ग्रह आपको इस महीने प्रदान करेगा। ये जो राशिफल रहेगी चंद्र राशि के अनुसार रहेगा, आप चाहें तो इसे लग्न के हिसाब से या नाम के हिसाब से भी देख सकते हैं। तो चलिए मीन राशि वाले, सबसे पहले प्रारंभ करता हूं कैसा रहेगा 31 दिनों में आपके कर्म क्षेत्र का हाल। प्रिय मीन राशि वाले, आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी कौन होते हैं? देव गुरु बृहस्पति। निश्चित तौर पर चंडाल योग की स्थिति में है, लेकिन अपनी नौवीं दृष्टि से कर्म क्षेत्र को देख रहे हैं जो धीरे धीरे कहीं ना तो कहीं आपके कर्म क्षेत्र की प्रबलता को तो बढ़ा रहा है। मतलब जीवन में आप यह निर्णय अब करते जा रहे हैं कि लाइफ में कुछ बड़ा करना है, लेकिन इस बार कर्म क्षेत्र में आपको सपोर्ट कौन करेगा? कर्म क्षेत्र में सपोर्ट करेगा 18 अगस्त से मंगल, यानी 18 अगस्त को जब मंगल कन्या राशि में जाएंगे तो अपनी चतुर्थ दृष्टि से कर्म क्षेत्र यानी दशम भाव को देखेंगे, जो काल पुरुष की कुंडली में इनका उच्च का घर होता है और धनु राशि पे इनकी दृष्टि रहेगी जो मित्रगत राशि है। दूसरी बात, यहाँ पे कर्म क्षेत्र इसलिए भी प्रबल हो जाएगा कि जब मंगल कन्या राशि में जाएंगे तो अपनी अष्टम दृष्टि से देव गुरु बृहस्पति को भी देखेंगे, और जब देव गुरु बृहस्पति को देखेंगे तो इतिहास रच जाएगा, क्योंकि एक साथ मंगल दोनों तरह के एक ही ग्रह को मजबूत कर देंगे। मतलब 18 अगस्त तक जो है आपके कर्म क्षेत्र में बहुत ज्यादा संघर्ष का समय रहेगा। 18 अगस्त तक जो है थोड़ी सी परेशानी और तनाव की स्थिति निश्चित तौर पर रहेगी। 18 अगस्त के बाद नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि है। 18 अगस्त के बाद जिनको लगता था जीवन में कुछ नहीं हो पाएगा, बिल्कुल होगा। भाग्य स्थान के अधिपति होने के कारण 18 अगस्त के बाद आपके बॉस और सीनियर अधिकारी भी आपको बेहतर सपोर्ट करेंगे, और ऑफिस में या कर्म क्षेत्रों में या व्यापार में बहुत सारे लोगों से जो आपके कॉन्टैक्ट या तालमेल जो खराब हो गए थे वह भी 18 अगस्त के बाद बेहतर हो जाएगा। 18 अगस्त से पहले आपको सिर्फ एक काम करना है, क्योंकि मंगल का बुध के साथ युति रहेगा तो आपको किसी भी सिचुएशन पे आवेश में आकर के ज्यादा नहीं बोलना है या अपनी व्यापार का कोई भी सीक्रेट दूसरे के साथ शेयर नहीं करना है। तब देखेंगे कि 18 अगस्त के बाद स्थितियों में तो सुधार रहेगा, उसके पहले भी सुधार रहेगा। कैसा रहेगा विदेश यात्रा का हाल अगस्त के महीने में? आपके विदेश यात्रा कारक मंगल ही है, मंगल षष्ठ भाव के निश्चित तौर पर कारक हैं, यह मैं जानता हूं, और द्वादश स्थान पे इनकी दृष्टि भी है। लेकिन 18 अगस्त के बाद आपका भाग्य का मालिक जब केंद्र में आएगा तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बन जाएगा, और द्वितीय भाव के भी अधिपति यही होते हैं। मतलब सीधी बात मैं करता हूं बिना घुमाए, 18 अगस्त तक सो आपका रहेगा विदेश यात्रा से रिलेटेड। हाँ, जिनको डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की कानूनी परेशानी आ रही है, ग्रीन कार्ड वीजा को लेकर के जिनकी समस्याएं हो रही हैं, आपके लिए 18 अगस्त तक इस मामले में थोड़ा सुधार होना चालू हो जाएगा। लेकिन 18 अगस्त के बाद मीन राशि वाले, आपका विदेश यात्रा का योग अच्छा है, विदेश के लोगों से कॉन्टैक्ट अच्छा है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में बेहतर योग बनता हुआ दिखता है मीन राशि वाले। कैसा रहेगा इनकम का हाल? क्योंकि देखो, बिना पैसे का तो संसार चलना नहीं है, यह बात तो सभी जानते हैं। आपके आय कारक स्वामी शनि जो हैं वह वक्र अवस्था में चल रहे हैं, और शनि का वक्र अवस्था में चलना बहुत ज़्यादा तो लाभकारी नहीं है, यह बात तो बिल्कुल समझ में आ रहा है। लेकिन आपके जीवन में इनकम का हाल जो सुधरेगा वो 7 अगस्त से सुधरना चालू हो जाएगा। होगा क्या कि 7 अगस्त को शुक्र जो है वक्र अवस्था में कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और जब यह कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो 17 अगस्त तक शुक्र और सूर्य की युति रहेगी, यानी 17 अगस्त तक आपके जीवन में लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट से भी लाभ मिलेगा। ये दोनों ग्रह आय स्थान को देखेंगे तो डबल इनकम के योग बनने चालू हो जाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा लाभ आपके जीवन में बनेगा, मतलब सत्य यही है कि 17 अगस्त तक थोड़ा थोड़ा इनकम आता रहेगा। मतलब आपके कहीं पैसे फंसे हुए हैं या फिर किसी से लोन लेना था या कर्ज लेना था, इस तरह के लाभ तो होंगे। लेकिन होगा कि 18 अगस्त को मंगल सप्तम भाव में जाएंगे, और जब ये सप्तम भाव पे जाएंगे ना तो आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आएगा। और आप सोच रहे होंगे बदलाव क्या आएगा, ये अपनी अष्टम दृष्टि से जो है देखना चालू कर देंगे स्वयं की राशि धन स्थान को, यानी मीन राशि वाले, आपके जीवन में
18 अगस्त के बाद मोटा धन का प्राप्ति है, जो विदेशों से भी रिलेटेड हो सकता है या परिवार के लोगों से भी हो सकता है, व्यापार में भी हो सकता है, नौकरी में बड़ा बदलाव के साथ हो सकता है, और इसके अलावा जो है जीवन साथी से भी धन की प्राप्ति के अवसर बिल्कुल बनते हैं। तो मतलब आपके जीवन में 18 अगस्त के बाद बेहतर धन का लाभ है, तैयार हो जाइए। कैसा रहेगा आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन का हाल? मीन राशि वाले, यह बात सत्य है कि काफ़ी समय से शनि की 7.5 प्रारंभ हुई है जुलाई से, और उससे पहले राहु का मार तो आप झेल ही रहे थे, तो निश्चित तौर पर दाम्पत्य जीवन में तो अस्थिरताएं नहीं ही हैं, यह बात तो सच्चाई है। लेकिन इस महीने की देखिए मैं बात करना चाहता हूँ, 18 अगस्त तक बुध जो है वो षष्ठम भाव पे रहेंगे। निश्चित तौर पे इस समय दाम्पत्य 18 अगस्त तक आपके दाम्पत्य जीवन में सुधार का योग तो बहुत हद तक है। 18 अगस्त तक विवाह को लेकर के भी कुछ रिश्ते वगैरह आपके अच्छे होंगे। देखिए 18 अगस्त का तो मंगल सप्तम भाव में चले जाएंगे, तो ये क्या करता है, मंगल का खुद तो शादी हुआ नहीं है तो आपका क्या कराएगा, उल्टा ये कन्या राशि में रहेंगे, तो कन्या राशि में जब मंगल होता है ना तो व्यक्ति आवेश में आकर के ज़्यादा बोलता है, व्यक्ति जो है ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है और सामने वाले पे जो है अपना अधिकार जमाने का कोशिश करता है। ये मंगल आपके अंदर ये क्वालिटी पैदा करता है। तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि 18 अगस्त को अपने दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा, और इसके अलावा जो है मंगल क्या है ना कि इंसान को जो है कोशिश करता है कि सेना नायक बनाने का, तो सेना नायक तो युद्ध लड़ता है, परिवार में युद्ध हो तो बर्बाद होता है इंसान। तो आपको 18 अगस्त के बाद अपने दाम्पत्य जीवन में थोड़ा पेशेंस रख लीजिएगा। जबकि लव लाइफ की बात करूं तो द्वितीय भाव का मालिक सप्तम भाव में जाएगा और द्वितीय भाव को देखेगा भी तो लव लाइफ की स्थिति बहुत अच्छी है। दैट मीन्स कि जिनका शादी नहीं हुआ है उनका तो 18 अगस्त पर विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। वो बात अलग है कि रिश्ते आएंगे शादी सेट होते होते हो सकता है कि अगस्त ना जाकर के सितंबर की स्थिति बने, लेकिन 18 अगस्त को जिनका पहले से वैवाहिक जीवन खराब है आप सावधान हो जाइएगा, और जो नया नया विवाह किए हैं आप थोड़ा सा अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। ग्रह किसी के बाप का नहीं होता है, एक बात याद रखिएगा। इसके बाद मैं बात करूं कैसा रहेगा भूमि मकान वाहन संपत्ति और माता पिता का हाल। सीधी बात करता हूं, पूरे महीने भूमि मकान वाहन का हाल बहुत ही बेहतर है, कहीं से कोई शक नहीं है। अपने सुख सुविधाओं की वस्तुएं भी परचेज आप करने वाले हैं, लेकिन 18 अगस्त के बाद कर्म क्षेत्र में चला जाएगा दृष्टि मंगल का। तो जब मंगल का कर्म क्षेत्र पे दृष्टि चला जाएगा और अष्टम दृष्टि जो चला जाएगा वो तृतीय भाव पे चला जाएगा, मतलब आपकी जीवन 18 अगस्त के बाद कोई खानदानी संपत्ति है वह सेल होगा, खानदानी संपत्ति का विवाद सेल होगा, छोटे भाई बहनों से रिलेटेड प्रॉपर्टी का विवाद है वह भी आपके जीवन में सॉल्व होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो संपत्ति वगैरह बेच के व्यापार में या नौकरी में किसी चीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं भी बनते हुए दिखती हैं। मतलब आपके भूमि मकान वाहन संपत्ति का हाल 18 अगस्त के बाद बहुत ही बेहतर प्रतीत हो रहा है। लेकिन मंगल मार्केस रहेगा तो इसमें आपके ऊपर यह फॉर्मूला लागू होता है कि आप अपने कर्म क्षेत्र पर फोकस कीजिएगा, मैरिड लाइफ पर डिस्टर्बेंस पैदा ना करेंगे, नहीं तो फिर वो कर्म क्षेत्र को डिस्टर्ब संपत्ति से रिलेटेड विवाद को पैदा कर देगा। इसके बाद मैं बात करूं कैसा रहेगा शिक्षा और संतान का हाल। देखिए आपके संतान कारक स्वामी निश्चित तौर पर चंद्रमा होते हैं, अब ये हर 2 दिन में चेंज करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि आपके जीवन में 17 अगस्त तक तो पंचम भाव में सूर्य बैठे हुए हैं और 7 अगस्त से यहाँ पे शुक्र भी आ जाएंगे। शुक्र और सूर्य की युति बहुत अच्छी होती है, लेकिन अगर आप आलस्यपन कम करते हैं और बैड हैबिट से बचते हैं तो मतलब मैं आपको बहुत ही क्लियर बताना चाहता हूँ कि आपके जीवन में 17 अगस्त तक शिक्षा का योग अच्छा है। 17 अगस्त के बाद जो है शिक्षा में थोड़ी सी बाधाएं आ सकती हैं क्योंकि वक्री शुक्र रहेगा। तो शुक्र क्या है, भौतिक सुख सुविधा और लेवेस लाइफ का कारक है, मतलब अगर आप इस समय अपने पढ़ाई से विमुख होकर इधर उधर ध्यान देंगे तो पढ़ाई डिस्टर्ब हो सकता है, तो आपको क्या करना है 17 अगस्त के बाद कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा करना है। जो महिलाएँ संतान कंसीव करके रखे हैं 17 अगस्त के बाद वक्री शुक्र के कारण आपको, क्योंकि शुक्र जो होता है मारक होता है अष्टम भाव के अधिपति, तो वो कहाँ से बर्दाश्त करेंगे। तो आपको जो महिलाएं संतान कंसीव करके रखे हैं प्रथम संतान, द्वितीय संतान वाले को दिक्कत नहीं है, आप अपने हेल्थ का ख्याल रखिएगा। हाँ 17 अगस्त के बाद प्रथम संतान से थोड़ा सा विवाद मतभेद परेशानी हो सकता है, इसका वास्तविक रीजन ये हो सकता है कि वक्री शुक्र के कारण, या फिर हो सकता है किसी प्रकार के प्रॉपर्टी विवाद या किसी प्रकार के इनकम को लेकर के या हार्ट टॉक को लेकर के हो सकता है। हाँ 17 अगस्त के बाद आपको अपने संतान पे विशेष ध्यान देना चाहिए, संतान से व्यवहार बहुत अच्छा रखना चाहिए ताकि आपसे छुपा के कोई सीक्रेट काम ना कर दे, इस मामले में आपको बेहतर ध्यान देना चाहिए। और जिनको अच्छे जगह पे एडमिशन्स कराने हैं या कॉलेजेस में एडमिशन कराने हैं या संतान के एडमिशन्स कराने हैं तो 17 अगस्त इस मामले में आप सफल हो रहे हैं। स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहेगी, देखिए मैं बताना चाहता हूँ 18 अगस्त तक क्या है ना
कि मंगल बुध की युति है और उसके बाद फिर सूर्य भी आ जाए 18 अगस्त के बाद, मंगल जो है सप्तम भाव में जाएगा। तो 7 अगस्त तक आपको थोड़ा पेट संबंधित प्रॉब्लम रहेगा, थोड़ा यूरिन से रिलेटेड, गर्भ से रिलेटेड, दांतों से रिलेटेड समस्याएं रहेंगी। 7 अगस्त के बाद आपके हेल्थ में सीधा बात करता हूँ बहुत बेहतर सुधार होगा। केस मुकदमा की जहां तक बात मैं करूं, वक्री शनि और वक्री शुक्र जो है 7 अगस्त से केस मुकदमा से रिलेटेड परेशानी पैदा करेगा। मतलब 7 अगस्त के बाद केस मुकदमा से 7 अगस्त तक केस मुकदमा से रिलेटेड थोड़ी सी ज़्यादा परेशानी है। 7 अगस्त के बाद आप केस मुकदमा से रिलेटेड विजयी होंगे, वह किसी भी पक्ष को लेकर हो सकता है, ससुराल पक्ष हो, खानदानी संपत्ति हो, दाम्पत्य जीवन हो, या फिर जो है व्यापार को लेकर के हो, या फिर नौकरी में आप क्वालिफाई कर गए थे लेकिन आपको नहीं क्या है कि ज्वाइनिंग लेटर मिला, तो इस मामले में केस मुकदमा के संजोग बनते हैं। उपाय के तौर पर क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पर 7 अगस्त के बाद कंटिन्यू एक गुलाब फूल की अगरबत्ती माता लक्ष्मी को प्रत्येक दिन जलाना चाहिए उनके समक्ष, पीला चंदन का तिलक लगाना चाहिए, और इसके अलावा जो है 18 अगस्त तक जो है ओम गण गणपति नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। तो आप देखिएगा मीन राशि वाले, पूरे महीने आपके बहुत ही शानदार जाएंगे। तो प्रिय मीन राशि वाले, कैसा रहेगा आपका पूरा का पूरा अगस्त का महीना का हाल, जिसकी संपूर्ण विवेचना मैंने कर दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।